वेलकम दिस इज उर्वशी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं अभी भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी यूएस स्टाफिंग पे जहाँ मेरी फ्रेंड काम करती है जॉब करती है और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें तेज़ी से व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप पसंद कर रहे हो वो ऐस इस टाइप की वीडियो मैंने देखा है और थैंक यू सो मच जो मेरी एक मैंने जॉब रूटीन बनाया हुआ था उस पर टेन के व्यूज़ बैट व्यूज़ एंड मैं आपको उसके बारे में ऐसे-ऐसे वीडियोस और लाती रहूँगी आपके लिए तो जो यंगस्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि कैसे जॉब करनी है कैसे अप्लाई करना है क्योंकि अब सब ग्रेजुएशन के बाद जॉब के लिए सोचते ही हैं अप्लाई करने के बारे में सोचते हैं कुछ यंगस्टर्स हैं वो प्रिपरेशन करते हैं अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की एंड कुछ प्राइवेट जॉब की तरफ निकलते हैं जॉब्स कईयों के लिए रिक्वायर रिक्वायर्ड होती है नीड होती है जॉब की कईयों को ठीक है तो उसके लिए मैं जी वीडियोज वीडियो लाती रहती हूँ ठीक है कोयल बोल रही है बाहर इसको भी वीडियो में आना है मेरी तो गाइज़ तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ बी फील्ड से रिलेटेड बी पी ओ एंड टेली परफॉर्मेंस अबाउट द टेली परफॉर्मेंस आई एंड टेल यू अबाउट होल द प्रोसेस आई वॉज वर्किंग इन द टेली परफॉर्मेंस इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन आई हैव जॉइंड देयर एंड आई हैव कम्प्लीट वन एंड हाफ ईयर ऑलमोस्ट देयर सो बी पी ओ फील्ड के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज भी दिए हैं मैंने उससे पहले तो इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है इससे रिलेटेड तो फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ अपना जर्नी ठीक है मैंने जॉब फाइंड आउट कैसे किया आपके लिए तो बहुत इजीली है मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे जॉब फाइंड आउट करनी है एंड कहाँ कहाँ पर कौन सी कंपनीज़ हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको थोड़ा आइडिया तो थो हो ही जाता है इससे कि आपको कैसे जॉब फाइंड आउट करनी है एंड कैसे रीच आउट करना है उस कंपनीज़ को ठीक है आपके पास एक आइडिया है लेकिन मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ बहुत तो ज़्यादा यंगस्टर्स हैं जैसे कि मोहाली चंडीगढ़ उनका मेन पॉइंट है जैसे हिमाचल के कुछ हिमाचल हरियाणा एंड पंजाब ठीक है जो चंडीगढ़ मोहाली से डिफरेंट स्टेट्स में हैं जो पंजाब मोहाली से अलग स्टेट्स में हैं पंजाब के एरिया से हैं लोग वो सारे कहाँ पर आते हैं मोहाली चंडीगढ़ ठीक है तो सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मोहाली चंडीगढ़ में जॉब्स किस टाइप की है ठीक है एंड फ्रेशर्स हैं जैसे कि अभी जिसने ट्वेल्थ की है ग्रेजुएशन कंप्लीट की है उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती है ज़्यादा इस बारे में तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो ठीक है तो मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ मैं अभी यहीं से थी हिमाचल से हूँ मैं ठीक है तो फिर जॉब फाइंड uh, मुझे जॉब चाहिए थी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कुछ मतलब सभी फ्रेंड्स नहीं इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं आपको कि किस टाइप की कंपनीज़ है क्या जॉब है और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो नहीं जॉब कर रहे थे उस टाइम यहाँ पर चंडीगढ़ मोहाली में तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं थी मेरे पास कि जॉब मीनस इंटरव्यू देने इंटरव्यू देने कहाँ जाना है ठीक है कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी तो मैं मुझे सिर्फ ये पता था कि मोहाली में जॉब्स मिलती हैं चंडीगढ़ में जॉब्स मिलती हैं जो पेपर्स लगे होते हैं पैम्फलेट्स उन्हें देख करके मैं जॉब्स के लिए गई ठीक है जब फाइंड आउट करनी थी मुझे जॉब तो मैंने कॉल किया एंड बहुत सारे यंगस्टर्स जो भी मूव करना चाहते हैं जॉब के लिए तो उनके साथ भी ऐसा होता होगा बहुत ज़्यादा केसेस में सिर्फ आपको कंसल्टेंसी वाले मिलते हैं ज़्यादातर मैक्सिमम कंसल्टेंसी वाले ही मिल जाते हैं जब भी आप कॉल करते हो ठीक है क्योंकि वो ही अपना नंबर दे के रखते हैं कि जॉब्स के लिए आप हमें कॉल करें अभी भी वेबसाइट्स पे उनके बहुत ज़्यादा नंबर्स अवेलेबल होते हैं राइट तो आपको कंसल्टेंसी के चक्कर में बिल्कुल फंसना नहीं है हाँ फंसना है लेकिन अगर वो फ्री होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी जॉब ढूंढने के लिए तो एक टाइम एक बार ऐसी कंसल्टेंसी के चक्कर में फंस गई मेरी फ्रेंड और मैं थी तो हमने वहाँ जा कर के उनके उन्होंने बोला कि कुछ चार्जेज हैं वन थाउजेंड रुपीज़ आप ये सबमिट कीजिए आपको जॉब्स मिलवा देंगे हम दिलवा देंगे कुछ कंपनीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं थी कहाँ पे हमें जॉब करनी है ना कॉल सेंटर का पता था कुछ भी नहीं पता था कि कैसी जॉब मिलेगी क्या नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ जॉब चाहिए थी हम चले गए कंसल्टेंसी के पास उसने बोला कि थाउजेंड रुपीज़ सबमिट करिएगा पर पर्सन एंड देन दे विल टेल यू अबाउट द कंपनीज़ राइट सो उन्होंने हमसे वो वन थाउजेंड रुपीज़ सबमिट कर लिए एंड हमें बोला कि अब ये इंटरव्यूज़ के लिए क्वेश्चन हैं दो चार क्वेश्चन टेलम अबाउट योर सेल्फ अबाउट योर फैमिली बैक ग्राउंड ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे वो हमें बता दिए और ये बोला कि प्रिपेयर कर लो आपको प्रिपेयर करने के बाद आपको कंपनी कम, में ये पूछे जाएंगे उसके बाद उन्होंने बता दिया कि कंपनी का नाम हमें कि यहाँ पर जाना है जैसे टेली परफॉर्मेंस ये बताया था आई थिंक आई गैस मुझे याद नहीं है एक्जैक्टली exactly उस टाइम कि कौन सा मुझे बताई गई थी कंपनी हम चले गए उधर तो उधर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ क्रैक नहीं हुआ फर्स्ट फ़र्स्ट टाइम तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्वेश्चन क्या होते हैं सिर्फ पता था कि जॉब करनी है ठीक है तो क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम और फिर हमने उन्हें कॉल किया उन्होंने कॉल पिक नहीं की फिर हमारी तो ये कंसल्टेंसी वाले होते हैं कहीं ऐसे पागल मनाते हैं आपका तो इनसे आपको बचना है ठीक है जो भी आप लिंकड वगैरह या नौकरी से भी कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे कहीं तो आपको चार्जेस नहीं देनी है कोई फीस नहीं देनी है लेकिन कंसल्टेंसी कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती हैं उनके कॉन्टैक्ट होते हैं कंपनी के साथ तो कंपनी उन्हें पे करती है रेफ़रेंस देते हैं वो ठीक है जो भी एम्प्लॉयज़ बच्चे दे रहे हैं वो यंगस्टर्स जो भी जो भी जितने भी वो हायर करवा रहे हैं उनके चार्जेज़ उनको कंपनी पे करती है ठीक है रेफरेंस के जो पैसे होते हैं वो देती हैं इससे वो पैसे कमाते हैं इसलिए वो अपना नंबर दे के रखते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वो इस टाइप से कमाते हैं और जो आपको चार्जेस लेके दे रहे होते हैं उनके शायद कंपनी से कोई लिंक ना होता हो या होता भी हो कंपनी से भी ले, ले लेते हैं और जैसे जो जॉब फाइंड आउट करने उनके पास जाते हैं उनसे भी पैसे वो ले लेते हैं फ्रॉड करते हैं उनके साथ राइट तो आपको पैसे नहीं देने हैं ऐसे तो तो हमारे से में मैंने बहुत ज़्यादा इशू फेस किया है मीन्स बहुत ज़्यादा भटकी हुई मैं जॉब के लिए इधर फर्स्ट टाइम क्या हुआ जब हमें हमसे पैसे ले लिए ठीक है कंसल्टेंसी से इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ देन आफ्टर दैट फिर से हमने कॉल किया फिर से कंसल्टेंसी मिली फिर से कंसल्टेंसी हमने सोचा कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा वो इस टाइप से बुलाएंगे कि हम कंपनी वाले हैं हम एच हैं हमें इंटरव्यू दीजिए और आप सिलेक्ट हो जाएगी लेकिन वहाँ जाके पता लगता है कि वो कंसल्टेंसी है वो आपको बताएँगे फिर आपको कंपनी में भेजेंगे ठीक है ये इस टाइप का उनका तरीका है बच्चों को फंसाने का तो हम सेकंड में गए सेकंड कंसल्टेंसी में गए सेकंड वाली में उसने बता दिया हमें कि इंफॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन है और लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी तो उसने हमें भेजा था कॉम्पिटेंट बी ठीक है तो मुझे पता चला था कॉम्पिटेंट के बारे में तो वहाँ पर सिलेक्ट हो गई थी मैं उसके बाद सिलेक्ट होने के बाद वहाँ पे मैंने सिर्फ़ वन मंथ जॉब किया क्योंकि बहुत ज़्यादा कम सैलरी थी उस टाइम वहाँ पर तो मुझे नीड ज़्यादा सैलरी की थी उस टाइम तो मैंने वहाँ से एक दो मंथ बाद छोड़ दिया एंड कोविड आ गया था बीच में उस टाइम तो फिर मैं घर आ गई थी ठीक है तो उस टाइम से मुझे पता चला कि एक वो कंपनी है उसके बाद मेरे वहाँ से फ्रेंड्स बने फ्रेंड्स बनने के बाद उन फ्रेंड्स को पता था टेली परफॉर्मेंस के बारे में टीपी के बारे में तो टीपी के बारे में फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि बीपीओ की अच्छी कंपनी है जो कि बहुत अच्छे सैलरी प्रोवाइड करवाती है फ्रेशर्स को ठीक है उसके बाद टेली परफॉर्मेंस की बात आई फिर उसके बाद जब कोविड आ गया फिर घर आई फिर उसके बाद पता चला टी पी है कुछ फिर उसके बाद हम इंटरव्यू देने वहाँ पे गए और प्रिपेयर करके गई थी मैं अच्छे से क्वेश्चन वगैरह मैंने अपने फ्रेंड से पूछ लिए थे और उस टाइम हायरिंग चली हुई थी वहाँ पर सैमसंग में काम किया है मैंने वहाँ पर तो फिर मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गई थी वॉइस प्रेसेस के लिए ठीक है तो ये सब जर्नी रही है मेरी उसके बाद तो आपके जब लिंक बन जाते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स फ्रेंड्स बन जाते हैं तो फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है वहाँ के रहने वाले जो होते हैं ठीक है थीके? तो उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो ही गई कंपनीज़ की ये मेरी जर्नी रही है जॉब की तो टी टेली परफॉर्मेंस में मैंने काम किया है वन एंड हाफ ईयर उसके बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया था मेरा मैंने कोविड में वर्क फ्रॉम होम किया है बहुत ज़्यादा आराम से घर पर बैठ के काम किया है ठीक है वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है पर अब नहीं अवेलेबल है कहीं कहीं भी मोहाली चंडीगढ़ में तो वर्क फ्रॉम होम कोई नहीं दे रहा है ठीक है तो आते हैं हम टॉपिक पे कि ज्वाइन करना कैसे है ठीक है तो टी जो टेली परफॉर्मेंस है बहुत ही ज़्यादा रेपिटेटिव कंपनी है बी की सबसे बेस्ट कंपनी है वो बी फील्ड में ठीक है बहुत ज़्यादा मीन्स चुटकियों में आपको रिजोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको कुछ भी आपका इशू चल रहा है सैलरी का इशू चल रहा है कुछ भी आपको मेल डालनी है साथ के साथ आपको रिप्लाई आएगा और साथ के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उनका ना फास्ट प्रोसेस है ठीक है टी में तो बहुत अच्छी कंपनी है बी कंपनी है और इनके इंटरव्यूज़ में आपको बता देती हूँ तो इनके टू पार्ट्स होते हैं बी मैं आपको सर आप बी के बारे में बताने वाली हूँ ठीक है बी की कंपनीज़ बताऊँगी एंड इसके पार्ट्स बताती हूँ क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है टी टेली परफॉर्मेंस दो टाइप की है एक है एट बी में ही अब हो रहे हैं इंटरव्यू कंडक्ट डोमेस्टिक के भी इंटरनेशनल के भी ठीक है इसमें दो आते हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक डोमेस्टिक में होता है जिसमें वो इंडियन क्लाइंट्स ही हैंडल करते हैं इंटरनेशनल में होता है जो बाहर के क्लाइंट्स भी आप वो हैंडल करते हैं जैसे यू के क्लाइंट हो गए कैनेडा के क्लाइंट अदर कंट्रीज के क्लाइंट हैंडल करने पड़ते हैं ठीक है एंड इंग्लिश इज मस्ट ओके okay. इंग्लिश में ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा डोमेस्टिक का भी एंड टेली परफॉर्मेंस का भी टेली परफॉर्मेंस ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है बी के लिए वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे अगर आपका कोई प्रोसेस है एक आर बी एल फ्लिपकार्ट इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है ट्वेल्थ के बाद आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं लेकिन इस इनका सिर्फ एक आ, एक सिर्फ इनकी एक रिक्वायरमेंट है कि इनकी इंग्लिश है जो इनको अच्छी चाहिए इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए ठीक है कम्युनिकेशन तो आ, फिर डोमेस्टिक में ही काम किया है मैंने तो ठीक है तो लेकिन ये नहीं है कि डोमेस्टिक में आपको हिंदी में बात करनी है इंडियन कस्टमर हैंडल लेकिन इंडियन कस्टमर्स में भी इंग्लिश कस्टमर्स आते हैं इसलिए आपको इंग्लिश में ही बा मीन्स अपना जैसे है मेरा वॉइस प्रोसेस था तो जब हम कॉल पे बात करते थे कॉल्स होती थी वहाँ पे तो इनकमिंग uh, कॉल्स होती थी तो कॉल आती थी हम इंग्लिश में ओपनिंग देनी पड़ती थी ठीक है वो डिपेंड करता था कस्टमर पे वो इंग्लिश में बात कर रहा है या हिंदी में बात कर रहा है तो हिंदी में भी बात करते थे कस्टमर इंग्लिश में बात करते थे जिन्हें इंग्लिश आती थी ठीक है तो डोमेस्टिक है इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी में ही चलेगा एंड इंटरव्यू तो आपका इंग्लिश में ही होगा डोमेस्टिक के लिए थ्री राउंड होंगे फर्स्ट होता है एच का जो फर्स्ट एच राउंड होता है कंडक्ट करेगी एच आपका कि आपको सेकेंड राउंड के लिए भेजना है या नहीं वो डिसाइड करेंगे ठीक है सेकेंड होता है मैनेजर राउंड मैनेजर राउंड में वो भेजते हैं आपको उसके बाद आपका थर्ड होता है वर्बल टेस्ट वर्बल में जैसे वर्स एंड टेस्ट होता है वो आपको हेडफोन्स लगाए जाते हैं और आपकी स्पीकिंग चेक करते हैं कि आप किस टाइप से बोल रहे हो ठीक है चैट प्रोसेस भी होता है इसमें वॉइस प्रोसेस भी होता है चैट में आपको होता है कि कस्टमर को आपको चैट में हैंडल करना होता है ठीक है और वॉइस प्रोसेस में क्या होता है आपको कॉल्स पर हैंडल करना है कस्टमर ठीक है प्रोसेस में आपको एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ जैसे फ्लिपकार्ट होता है आप जब कॉल करते हो ना कस्टमर केयर को तो वो वॉइस से जैसे हैंडल करते हैं आपको बोलते हैं नमस्कार फ्लिपकार्ट में आपका स्वागत है आपका इस टाइप से कस्टमर केयर बात करते हैं आपसे कॉल पे तो वो होता है वॉइस प्रोसेस ठीक है और जो चैट पे बात करते हैं वो होते हैं चैट पे बात करने वाले कस्टमर केयर तो वो होता है कॉल सेंटर ठीक है कॉल सेंटर में वर्क करने वाले कस्टमर केयर ठीक है इस टाइप के प्रोसेस होते हैं जैसे फ्लिपकार्ट एक प्रोसेस है फ्लिपकार्ट में जो काम कर रहे हैं सैमसंग में काम कर रहे हैं वो सैमसंग के कस्टमर केयर हो गए ठीक है जैसे जोमेटो में काम कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो जोमेटो के कस्टमर केयर हो गए ठीक है इस टाइप से प्रोसेस अलग अलग होते हैं और उनके प्रोसेस कर, आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाते हैं इस टाइप से तीन राउंड होते हैं जब आप ये क्लियर कर लेते हो आफ्टर ट्वेल्थ एंड डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोसेस है जो मेरा सैमसंग प्रोसेस था उसमें ग्रेजुएशन ज़रूरी थी ठीक है रिक्वायर्ड थी ग्रेजुएशन एंड बी टेक एंड बी सी ए आई थिंक टेक्निकल फील्ड से होना चाहिए था ग्रेजुएशन तो वो रिक्वायरमेंट थी ठीक है वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेस पे तो मैंने बी टेक uh, उस टाइम कम्प्लीट की थी अपनी एंड मैंने उस टाइम साथ के साथ ही वो ज्वाइन कर लिया था जॉब अपना टेली परफॉर्मेंस में ठीक है उसके बाद अभी हो गया आपका टेली परफॉर्मेंस का ठीक है क्वेश्चन के लिए आपके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है सेम क्वेश्चन रहते हैं ठीक है इंटरव्यू वही रहेंगे बाकी आपको जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वट इज़ वट आर योर होबीज एंड वट इज़ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इस टाइप के क्वेश्चन होंगे एंड बी के बारे में पूछा जाता है एंड हाउ डू यू नो अबाउट द टेली परफॉर्मेंस एंड हु टोल्ड यू अबाउट दिस ओके तो आपको टेली परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ना है जिस भी आप कंपनी कंपनी है टेली परफॉर्मेंस एक ठीक है उसमें प्रोसेस होते हैं अलग अलग ठीक है उसके बाद टेली परफॉर्मेंस एक इंटरनेशनल आता है इंटरनेशनल के बारे में बता देती हूँ उसमें होते हैं चार से पाँच राउंड ठीक है इंटरनेशनल में आपका बहुत ज़्यादा मतलब इतना सा भी वो रखेंगे नहीं कि कम्युनिकेशन आपका Uh, नहीं अच्छा है ठीक है एक भी वर्ड आपका गलत हुआ ग्रामेटिकल एरर हुआ तो आपको नहीं रखेंगे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा उनकी सैलरीज भी अच्छी है ना इंटरनेशनल वालों की इंटरनेशनल में आपको स्टार्टिंग में ही थर्टी फाइव के सी टी सी मिलता है ओके तो अगर आपका इंटरनेशनल आप ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है वही आपको ट्राई करना चाहिए ऑब्वियसली बात है सैलरीज़ के आ, बेस पे थर्टी फ़ाइव टू ट्वेंटी भी आ, मतलब आपको इंटरनेशनल की जो सैलरीज हैं वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव के बीच में लाइक करती हैं इतना आपको वो देते ही देते हैं और उन्हें कोई एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं होती कि एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है किसी किसी प्रोसेस में डिपेंड करता है ठीक है इंटरनेशनल में चार से पाँच राउंड होता है इतना सा भी ग्रामेटिकल एरर नहीं चलेगा और आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बस और कुछ भी नहीं मांगते हैं वो कम्युनिकेशन स्ट्रॉग होनी चाहिए एंड आपको कहीं रुकना नहीं है बोलते हुए ठीक है अगर आप बीपीओ में फील्ड करियर बनाना चाहते हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो टेली परफॉर्मेंस से ठीक है इंटरनेशनल डोमेस्टिक में उससे डोमेस्टिक में थोड़ी कम सैलरी है वो आपको सेवनटीन के सी टी सी देंगे फ्रेशर को एंड फिर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस दे विल इंक्रीज योर सैलरी ओके अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ओके okay, सो so, ये रहे रहता है इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक का टेली परफॉर्मेंस का ठीक है क्वेश्चंस की मैंने एक वीडियो अलग से बनाई हुई है क्वेश्चन की वीडियो क्वेश्चन सेम रहेंगे हाउ डिड यू स्पेंड योर यस्टरडे हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट बर्थडे एंड योर लास्ट वोकेशन लास्ट डे इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप पास्ट का किस टाइप से पास्ट को डिफ़ाइन करते हो कैसे बोलते हो वो चेक किया जाता है टेंसेज का कैसे यूज़ करते हो ग्रामर का कैसे यूज़ करते हो यही आपकी चीज़ें चेक की जाएगी और आपका एक्सेंट मदर टंग इशू नहीं होना चाहिए एम टी आई ठीक है और वर्ड uh, में वर्डस में आपकी स्पीकिंग कैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हो किस भी वर्ड्स को उस पर आपको कॉन्सनट्रेट करना है ओके सो ये सब चीज़ें रहती हैं राउंड मैंने आपको बता दिए हैं कितने इंटरव्यू के राउंड्स होंगे डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में कितने होंगे ठीक है ये रहता है टेली परफॉर्मेंस के बारे में और क्वेश्चंस वही रहेंगे सेम मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसके बारे में और आप उसमें एक्सपीरियंस गेन करके अपना टेली परफॉर्मेंस में किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो या प्रमोशन भी ले सकते हो प्रमोशन भी बहुत ईजिली वहाँ पर मिल जाती है बट आपको परफॉर्मेंस यही रखनी है अपनी प्रमोशन्स आप ले सकते हो आफ्टर नाइन मंथस ऑफ एक्सपीरियंस यू कुड भी प्रमोटड और uh, जो फ्रेशर्स हैं जो जॉब्स की नीड है जिन्हें रिक्वायरमेंट है ठीक है विदाउट एनी एक्सपीरियंस जिन्हें जॉब चाहिए तो यहाँ पर आप जरूर ट्राई कर सकते हो ठीक है टेली परफॉर्मेंस में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो मैं जल्दी रिप्लाई कर देती हूँ ऐसा आपको परेशानी नहीं आई आपको कोई क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया ठीक है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपको रिप्लाई करूँगी ऑब्वियसली ओके सो वीडियो को करते हैं पर ख़त्म आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है मैंने बहुत ज़्यादा अपना आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है आज वीडियो में ठीक है और जिन्होंने अभी तक जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें हाँ और मैं ये बताना भूल गई टेली परफॉर्मेंस आपको ज्वाइन कैसे करना है आप वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं आप वहाँ पे कॉल करने के लिए नंबर होंगे वहाँ पे उसको कॉल कर सकते हो या डायरेक्टली आप वहाँ पे विज़िट करके वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे चलते ही रहते हैं इंटरव्यू टेली परफॉर्मेंस में ठीक है और एड्रेस वगैरह मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ उस पर वहाँ पर जाना है आपको और इंटरव्यूज़ के लिए आप पता कर सकते हो खुद जा कर के कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आप अपना वहाँ पर गेट पर एंटर, एंट्री करिए और जब आप जो भी इंटरव्यू चल रहे होंगे आपको वहाँ पे बिठा दिया जाएगा आपको कि रिज्यूमे लेना है और आप इंटरव्यू देने जा सकते हो ठीक है वॉक इन इंटरव्यूज़ रहते हैं आपको ऐसा कुछ नहीं है कोई मेल करनी है या चार आपको बुलाएंगे तब आपको जाना है इंटरव्यू देने ऐसा कुछ भी नहीं है वॉक इन इंटरव्यू रहते हैं टेली परफॉर्मेंस में ईज़िली आपको सिर्फ़ जाना है ठीक है प्रिपेयर करके अपना रिज्यूमे लेके कोई ज़रूरी नहीं आपको किसी कंसल्टेंसी को फ़ोन करना है किसी दोस्त को फ़ोन करना है कि वो जॉब लगवा दो ठीक है कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता सिर्फ डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो वो आपको इजीली रख लेते हैं ठीक है अगर किसी का इंटरव्यू नहीं अच्छा होगा तो वो क्यों किसी को रखेंगे राइट आपको किसी को दोस्त के बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी फ्रेंड को बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे लगवा दो वहाँ पर ठीक है खुद जाना <laughs> है आपको वॉक इन इंटरव्यू है जाइए जॉब करिए जॉब पाइए एंड पैसे कमाइए ठीक है मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे मैं आपको आंसर कर दूँगी सारे ठीक है तो मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी तब तक के लिए बाय बाय एंड जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड बाय बाय